नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं पल्लवी शर्मा, पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। टांडा में भर्ती कोरोना पॉजिटिव युवक की रिपोर्ट आज भी नेगेटिव, होगी छुट्टी। कोरोना सहायता को राज्य व जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित। हिमाचल के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने का फैसला 31 मार्च के बाद। सीएम जयराम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए आह्वान किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे 1 माह का वेतन। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। टांडा और धर्मशाला में ओपीडी बंद, रोगी फोन पर लें बीमारी की जानकारी। 2000 लेकर कर्फ्यू पास बनाने की खबर झूठी, FIR की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में आज भी कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं एक राहत भरी खबर ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में उपचाराधीन 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से लंच के युवक की रिपोर्ट आज भी नेगेटिव आई है। युवक को छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि टांडा में सिंगापुर से लौटा लंच का युवक और दुबई से लौटी शाहपुर की महिला उपचाराधीन है। इसमें युवक की पिछले कल सैंपल जांच की थी तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज दूसरे दिन भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश सरकार ने COVID-19 से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित किए हैं। राज्य सरकार पर आपातकालीन परिचालन केंद्र का प्रभारी प्रवीण भारद्वाज को बनाया गया है, जिन्हें दूरभाष संख्या 01772929688 पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर निदेशक एवं विशेष सचिव आपदा प्रबंधन DC राणा को COVID-19 नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। कोरोना वायरस के चलते लगे कर्फ्यू के कारण हिमाचल के बाहर फंसे लोगों को अभी वापसी के लिए इंतजार करना होगा। ऐसे लोगों की हिमाचल वापसी पर 31 मार्च के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। DGP SR मरड़ी ने कहा है कि उन्हें रोज ऐसे कई लोगों के फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वे प्रदेश से बाहर फंसे हैं और हिमाचल आना चाहते हैं। DGP ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार 31 मार्च के बाद ही अंतिम फैसला ले सकती है। पुलिस जवानों के भी परिवार बाहर फंसे हैं, लेकिन जवान यहां सेवाएं दे रहे हैं। हमें मिलकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय के बिना ना रहे। औद्योगिक क्षेत्रों में फंसे औद्योगिक श्रमिकों और विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्माण श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विशेष बल दिया जाए। सेब और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की सूची तैयार की जाए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की है। श्रमिक घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी, ठेले वाले और सिरपीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए श्रमिकों को नजदीकी लोक मित्र केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी साथ लानी होगी, जहां पर मुफ्त में पंजीकरण होगा। योजना में शामिल होने के लिए मासिक आय 15,000 रूपए प्रति माह तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रूपए और अधिकतम 200 रूपए का भुगतान करना होगा। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने वाली राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। ये परिवार पेंशन होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को 50% पेंशन मिलेगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जनहित में जारी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने कहा, इस वैश्विक कठिनाई से निपटने के लिए सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि कोरोना वायरस पॉजिटिव तिब्बती, जिसकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार से 6, शाहपुर की महिला के परिवार से 5 और शाहपुर के युवक के परिवार से 1 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांगड़ा में आज 16 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांचे, सभी नेगेटिव आए हैं।
डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि 10 मार्च के बाद 802 लोग विदेश और 9800 लोग अन्य राज्यों से कांगड़ा लौटे हैं, जिस कारण कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा व जोनल अस्पताल धर्मशाला में सामान्य रोगियों के लिए ओपीडी बंद कर दी गई है। धर्मशाला अस्पताल में नेत्र मोबाइल यूनिट की बिल्डिंग में आपातकालीन ओपीडी के मामले देखे जाएंगे। इस संबंध में जिला पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया और रोगियों को फोन पर अपने डॉक्टरों से संपर्क करने को भी कहा गया है। इस संबंध में टांडा के डॉक्टरों की एक लिस्ट फोन नंबरों के साथ प्रशासन ने तैयार की है। इसके द्वारा रोगी अब डॉक्टर को फोन करके अपनी बीमारी के संबंध में जानकारी साझा कर दवाएं ले सकता है। पालमपुर में 2000 लेकर कर्फ्यू पास बनाने की खबर फेक निकली है। एसडीएम पालमपुर ने खबर के फेक होने की पुष्टि की है। पालमपुर प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। शिकायत एसपी कांगड़ा को सौंप दी है। एसडीएम पालमपुर धर्मेश कुमार ने बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का पता चला। उन्होंने इस मामले की जांच की तो बात फेक निकली। उन्होंने कहा कि वीडियो में जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है उस नाम का कर्मचारी है ही नहीं। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।